पंजाब विधानसभा के भी बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बजट सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा और 28 फरवरी तक चलेगा। इसके हंगामेदार होने के पूरे पूरे आसार हैं। इस दौरान सरकार 25 फरवरी को 2020-21 का बजट पेश करेगी। विपक्ष ने बजट सत्र से में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति भी तैयार की है। वहीं सरकार भी सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार जो है नजर आ रही है। तो आज से पंजाब विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा और 28 फरवरी तक पंजाब विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। इसके हंगामेदार होने के भी पूरे पूरे आसार हैं, क्योंकि बजट सत्र में विपक्षी पार्टी भी सरकार को घेरने की पूरी पूरी रणनीति बना रही है। वहीं सरकार भी सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। जानकारी आपको दे दें कि सरकार 25 फरवरी को 2020-21 का बजट पेश करेगी। तो आज से पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा और 25 फरवरी को पंजाब का बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान, क्योंकि आज पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है, तो इस दौरान विपक्षी पार्टी भी सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना रही है और ये आसार हैं कि सत्र के पहले दिन हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। वहीं सरकार भी सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। तो बजट सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा और 28 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। 25 फरवरी को 2020-21 का बजट जो है पेश किया जाएगा। तो पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होगा और 28 फरवरी तक चलेगा। सत्र का पहला दिन है और विपक्षी पार्टी भी सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना रही है और इसी को लेकर सरकार भी सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है।